हेलो वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला कैसे हैं सब आई होप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे आई होप सो आपका एग्जाम अच्छा गया हो वैसे एग्जाम का लेवल तो आपको पता चल ही गया होगा जो सिलेबस उसने दिया था वो सारे क्वेश्चन ई एस में आए थे हर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया था जैसे कि पहले भी मैंने रिव्यू में बताया है तो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपीएससी सात जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज है देखो एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया है बट हम अंदाजा लगाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को रिव्यू करने के बाद कि इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया है उन्होंने कितने किए

हौसला देखकर तेरा हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना भी छोड़ दे ठीक है चलो इसी के साथ हम कट ऑफ की बात करते हैं दिल को थाम के बैठ जाए और देखें टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ थर्टी पोस्ट टोटल है आपको पता है अनरिजर्व कैटेगरी में सीट 892, ईडब्ल्यूएस 193, ओबीसी 446, एससी 235, एसटी कैंडिडेट्स 164 पोस्ट रिजर्व हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 168 पोस्ट रिजर्व है पूरा डाटा मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे बच्चों के बट मैक्सिमम एवरेज देखें तो 115 से लेकर 125 तक बच्चे अटेम्प्ट कर पाए हैं एवरेज हम निकालते हैं इन सबको इंक्लूड करके तो मार्क्स अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफी तो, से वन मार्क्स जाने वाला है मतलब अगर आप नेगेटिव करने के बाद जैसे आपके सेवेंटी करेक्ट हो रहे हैं या सेवेंटी फाइव करेक्ट हो रहे हैं टू से मल्टीप्लाई किया वन फिफ्टी ठीक है अगर बच्चों ने नाइनटी अटेम किए पंद्रह गलत हो रहे किसी के बीस गलत हो रहे अगर परसेंटेज की मैं बात करूं यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी इसका निकाल के दिया है मार्क्स से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैम मार्क्स कैसे आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका मैं कैलकुलेशन लास्ट में बताऊंगी अभी सीधा डायरेक्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अनडिजर्व कैटेगरी 150 से 165 के बीच में रहने वाला है और फिर से मैं बोल रही हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये आपको पता है यूपीएससी ने पहली बार पेपर लिया है तो इसके पास में रह सकता है फाइव तो प्लस माइनस हो सकता है ठीक है पांच ऊपर तो नहीं जाएगा ऊपर तो नहीं जाएगा, तो जाएगा माइनस हो सकता है ठीक है कट ऑफ इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा इससे कम ही हो सकता है इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है एक हमने अंदाजा लगाया ई एस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वन फोर्टी से लेकर वन फिफ्टी मार्क्स तक कट ऑफ जा सकता है अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसका परसेंटेज निकलता है फोर्टी सेवन से फिफ्टी परसेंट फिर से मैं बात करी ये क्वेश्चन नहीं है ये परसेंटेज है आपको पता है टोटल 300 मार्क्स का पेपर हुआ था और टोटल क्वेश्चंस जो है वो 150 आए थे जैसा मैंने आपको बताया था कि टू आवर्स में 120 मिनट्स में वो 100 क्वेश्चंस तो नहीं देंगे 125 से अब होगा वो 150 तक होगा तो 150 क्वेश्चन थे 130 मार्क्स का था परसेंटेज निकाले तो 47 से 50 परसेंट तक ईडब्ल्यू कैटेगरी का जा सकता है ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 45 से 47 जा सकता है माइनस प्लस मैंने बोला है दो तीन परसेंट का इधर उधर रहेगा और अगर हम एस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका मार्क्स है वन से लेकर वन मार्क्स तक जा सकता है परसेंटेज की बात करें तो फोर्टी टू टू फोर्टी परसेंटेज होगा और एफ कैटेगरी में वन अगर आपके आ रहे हैं वन आप स्कोर कर रहे हो तो इफ सेफ जोन में आप अपने आप को समझ सकते हो यहाँ पे थर्टी सेवन टू फोर्टी परसेंट जो है कट ऑफ रह सकता है सबसे पहले क्राइटेरिया कोई नहीं है जैसे नॉर्थ सेट में होता है अगर 50 परसेंट होगा तो ही आप एलिजिबल हो ऐसा यूपीएससी ने फर्स्ट टाइम एग्जाम लिया है तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था ये आपके ये आपके आपके लिए लिए एक एक प्लस पॉइंट है है अच्छा बेनिफिट कि कोई मार्जिन uh, नहीं था कि आपको लाना लाना ही लाना है तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया है जो बच्चे दो तीन साल से प्रिपेयर कर रहे हैं ईएसआईसी ही उन्हें चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग पूरा इवेलुएट करके ये कट ऑफ मैंने आपके सामने रखा है सीट भी आपके सामने टोटल है 930 पोस्ट जिसको फ्रेगमेंट्स में कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है सब कुछ आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा मार्क्स आपके इतने के बीच में है अगर किसी का 150 है मान लो अगर प्लस माइनस हुआ 140 चला गया ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा मैम क्या होगा तो ये आपके सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए है कि आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो या नहीं ठीक है बाकी तो यूपीएससी अपने आप ही कट ऑफ रिलीज कर ही देगा रिजल्ट आ ही जाएगा ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आ जाएगा जल्दी और मैं अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे 168 पोस्ट है बट टोटल तो बच्चों ने 78 के समथिंग ही फॉर्म फिल किए हैं इसीलिए पे लिखा है जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए हैं यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि उन सब बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं थर्टी परसेंट तक भी आप अगर स्कोर कर रहे हो तो आपका चांस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा इवन आपने फॉर्म फिल करके एग्जाम में अटेम्प्ट भी किया है तो भी आपका चांस है अब बिल्कुल ही माइनस में है तो उसका कुछ नहीं कह सकते लेकिन यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है एग्जाम में प्रेजेंट हैं उन्होंने थोड़ा बहुत भी स्कोर किया है लाइक ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट भी है तो उन सबका चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वन में सिर्फ मैंने बोला सेवेंटी एट ही फॉर्म्स जो हैं वो फिल किए गए थे ठीक है 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 दैट्स चांस कि कि आप सबका सिलेक्शन हो सकता है। तो आई होप सो कट ऑफ आपको पता चल गया होगा टोटल थ्री हंड्रेड मार्क्स हैं और जैसा मैंने आपको बोला है टोटल अटेम्प्ट की बात करते हैं अगर आपने हंड्रेड एक सो एक क्वेश्चन अटेम्प्टे जिसमें से एट्टी आपके राइट right हो रहे एट्टी आपके राइट right हो रहे हैं और ट्वेंटी वन आपके रॉन्ग हो रहे

ठीक है इसीलिए मैंने कट ऑफ जो बताया था जनरल कैटेगरी के, के लिए वो थोड़ा सा आपको बताया कि वन के आसपास रह सकता है 150 तक आप मान के चल सकते हो इतना कट ऑफ हो सकता है ठीक है आई होप सो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी जो आपको इतने टाइम से क्वायरीज थी कि मैम बता दो प्लीज 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 तो सारी चीजें आपके सामने हैं आप अपना जो भी मार्क्स है इवेलुएशन है इसके बेसिस पे कर सकते हो फिर से है कि आपका प्लस माइनस Uh, जो है फाइव मार्क्स हो सकता है परसेंटेज दो तीन परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन मिलते हैं फिर एक नए सेशन में बाय बाय टेक केयर